चर्च, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? CHURCH, चर्च। और वॉच की? WATCH, वॉच। तो क्या आपने कभी सोचा है कि दोनों ही वर्ड्स के एंड में च का साउंड आया है, पर चर्च में हमने च के लिए यूज किया CH और वॉच में TCH, ऐसा क्यों? क्या इसका भी कोई रूल है या स्पेलिंग हमें एज इट इज याद करनी पड़ती है? ये कंफ्यूजन मुझे भी था और अभी भी कुछ दिन पहले तक था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ रिसर्च किया जाए और इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको भी ये कंफ्यूजन होगा ही कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक जगह हम च के लिए CH का यूज करते हैं और दूसरी जगह TCH लेटर कॉम्बिनेशन का। और जब भी इस तरह के कंफ्यूजन होते हैं तो उसके लिए मैं तरुणा आपके लिए एक वीडियो लाती हूँ, जिससे एक कोशिश होती है मेरी कि आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो आज का वीडियो हमारा इसी पर बेस्ड है कि कब हम स्पेलिंग में CH का यूज करेंगे और कब TCH का वर्ड के एंड में। तो मेरे साथ ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। एक्चुअली इस तरह की कोई भी स्पेलिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। अब यहीं पर देख लीजिए, CH और TCH कब यूज करेंगे हम इन्हें? आपको इसके लिए वर्ड को प्रोनाउंस करना पड़ेगा। स्पेलिंग लिखने से पहले एक बार आप वर्ड को प्रोनाउंस करके देखिए। जैसे जब आप सर्च बोल रहे हैं, सर्च, तो च से पहले आपको कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दे रहा है। ध्यान दीजिए, सर्च, सर्च, च से पहले रा का साउंड है और रा एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि अगर आपको वर्ड में जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं तो च से पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दे, तो आप उस समय CH का यूज करेंगे, वर्ड के एंड में CH लगाएंगे, ना कि TCH। जैसे अभी हमने सर्च बोला, तो उसकी स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे? SEARCH, सर्च, क्योंकि यहाँ पर र का साउंड आ रहा है। इसी तरह से पिंच, पिंच होता है ना, इसमें च से पहले किसका साउंड आ रहा है? पिंच, न का। तो न एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने स्पेलिंग में च के लिए CH का यूज किया है। पिंच, स्पेलिंग क्या हुई? PINCH, पिंच। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ब्रांच, ब्रांच, इसमें भी जब आप वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो च से पहले न का साउंड आ रहा है, ब्रांच, न, और न एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इसकी स्पेलिंग में च के लिए हम CH का यूज करेंगे, BRANCH, ब्रांच। एक और वर्ड देखिए, फिंच, फिंच, इसमें भी लास्ट में च से पहले न का साउंड है, फिंच। स्पेलिंग क्या हुई? FINCH, फिंच। सो आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा कि CH वर्ड के एंड में कब यूज होगा। जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड आपको च से पहले सुनाई दे रही है, तो आप वर्ड की स्पेलिंग में लास्ट में च के लिए CH का यूज करेंगे। अब जानते हैं
कि वर्ड में, वर्ड की स्पेलिंग में TCH का यूज कब करेंगे। TCH को भी च की तरह ही प्रोनाउंस किया जाता है। तो अगर जब आप वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं और च से पहले आपको वाउल साउंड सुनाई दे, रिमेंबर वाउल साउंड सुनाई दे, तो आप TCH का यूज करेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, वॉच वॉच, तो च से पहले किसकी साउंड आ रही है, अ की, और अ एक वॉल साउंड है। इसीलिए आपको प्रोनंसिएशन पर ध्यान देना है। अगर आप स्पेलिंग लिखना चाहते हैं करेक्ट स्पेलिंग, तो आपको प्रोनंसिएशन पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप बोल रहे हैं वॉच, तो च से पहले अ का साउंड है और अ एक वॉल साउंड है। तो स्पेलिंग क्या हुई, WATCH, च के लिए TCH यूज किया। इसी तरह से कैच, कैच, च से पहले अ का साउंड है, तो स्पेलिंग कैसे आप लिखेंगे, CATCH। TCH क्यों आया, क्योंकि च से पहले वाउल साउंड है। कुछ और एग्जांपल्स देखिए, फेच, फेच, च से पहले ए का साउंड है, फेच, तो ए अगेन वॉल साउंड है, तो हम इसकी स्पेलिंग में TCH का यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे इसकी स्पेलिंग, FETCH, फेच। इसी तरह से पिच, पिच, जब आप पिच बोल रहे हैं तो च से पहले ई का साउंड है, पिच, और ई अगेन वॉल साउंड है, तो आप स्पेलिंग में किसका यूज करेंगे, CH का या TCH का। ऑब्वियस है TCH का, पिच, PITCH, पिच। तो है ना बहुत सिंपल, पर इंग्लिश इतनी भी सिंपल नहीं है, इसमें हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं, और यहां पर भी है। बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, तो इसीलिए हमें वर्ड को उनकी स्पेलिंग एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। और इसके लिए आप डिक्शनरी को प्रेफर कर सकते हैं करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ये जानने के लिए। तो चलिए हम जल्दी से कुछ इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर ये रूल्स हम फॉलो नहीं करेंगे। आप मेरे साथ इन वर्ड्स को बोलिए, अटैच, अटैच, मच, दोनों ही वर्ड्स में जब आप बोल रहे हैं तो च से पहले आपको वाउल साउंड सुनाई दे रहा है, अटैच, च से पहले ए का साउंड, और मच, च से पहले अ का साउंड। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर च से पहले वाउल साउंड सुनाई दे रहा है तो हम TCH का यूज करेंगे, पर अगर आप इसकी स्पेलिंग देखें तो TCH नहीं, CH का यूज होता है। जैसे ATTACH, अटैच, मच, MUCH, मच। तो ये दोनों इस रूल के एक्सेप्शंस हैं। कुछ और ऐसे वर्ड्स देखते हैं, सैंडविच, सैंडविच, इसमें भी विच, च से पहले ई का साउंड है और ई अगेन वॉल साउंड है, पर इसके स्पेलिंग में TCH नहीं, CH आता है, SANDWICH, सैंडविच। ऑस्ट्रिच, जब आप ऑस्ट्रिच को प्रोनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो च से पहले ई आ रहा है, ऑस्ट्रिच, इच, पर यहां पर अगेन TCH की जगह पर CH का यूज हो रहा है, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो रूल्स मैंने आपको बताए अभी उनको फॉलो नहीं करते। तो कुछ यूजर्स का क्वेश्चन होता है कि जब एक्सेप्शंस होते ही हैं तो हम रूल्स को क्यों याद करें, क्या जरूरत है वर्ड्स की स्पेलिंग्स ही याद कर लें।
ऑफ कोर्स आप ये कर सकते हैं, पर इंग्लिश में इतने सारे वर्ड्स हैं, सबकी स्पेलिंग याद करना पॉसिबल तो नहीं है। तो क्यों ना थोड़ा सा एक रूल याद करके कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग्स को हम इजी बना लें, और इसीलिए तो हम फोनेटिक्स सीखते हैं, ताकि हमें स्पेलिंग्स बनानी आए, हमें स्पेलिंग्स याद करने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पर आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पर ध्यान दीजिए, जब आप वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आप देखिए कि वो वन लेटर वाउल है या टू लेटर वाउल है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको शॉर्ट वाउल की साउंड सुनाई दे रही है, जैसे आपने बोला था कैच कैच, तो वहां पर शॉर्ट वाउल था, ए शॉर्ट था, तो इसीलिए हमने वहां पे टी सी एच का यूज किया। पर अगर लॉन्ग वाउल्स की साउंड सुनाई दे रही है, रिमेंबर लॉन्ग वाउल की साउंड सुनाई दे रही है, जिसे हम टू वाउल साउंड भी बोल सकते हैं या टू लेटर वाउल साउंड भी बोल सकते हैं, तो उस समय वर्ड के एंड में सी एच आएगा। जैसे टीच टीच, जब आप इसे बोल रहे हैं तो ई लॉन्ग आ रहा है, तो वाउल साउंड है ई ई ए ई, तो इसीलिए इसकी स्पेलिंग में हम लास्ट में सी एच का यूज करेंगे, टी ई ए सी एच टीच। इसी तरह से स्पीच स्पीच, ये भी लॉन्ग ई आ रहा है, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप वर्ड के स्पेलिंग में एंड में टी सी एच का यूज नहीं करेंगे, आप सी एच का यूज करेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूं कि प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, आप किस तरह से वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको बताएगा कि कब आपको वर्ड के एंड में सी एच का यूज करना है और कब टी सी एच का। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको ये बता सकूं कि कब आप वर्ड के एंड में सी एच का यूज करेंगे और कब टी सी एच का, अगर वर्ड के एंड में च का प्रोनाउंसिएशन है तो। आई होप आपके डाउट्स कुछ क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर भी कीजिए। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और वीडियोस के साथ आऊंगी, पर हमारे अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, वो जरूर कीजिए। आप प्रैक्टिस करते रहिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।